मस्तक के बीच देखें, भ्रकुटियों के बीच एक दिव्य ज्योति चमकती हुई। कुछ देर वहां पर बुद्धि टिकाएं, केवल और केवल अपनी बुद्धि को भ्रकुटी के मध्य एकाग्र करें। देह से अलग ज्योति चमकती हुई, ये ज्योति पुंज, ये प्रकाश मैं हूं। बहुत शक्तिशाली हूं, मैं आत्मा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़े, पीठ सीधी रख के बैठे, चेहरा सीधा और आंखें थोड़ी खुली हुई, श्वासें नॉर्मल गहरी। अपने आप को मस्तक के बीच देखते रहे, मैं आत्मा। 5000 वर्ष से इस धरती पे हूं, मैंने एक लंबी यात्रा की है। मैंने 84 जन्म लिए हैं। मैंने 40 से भी अधिक मेल और उतने ही फीमेल कॉस्ट्यूम पहने हैं। कल्पना करें अपने 84 कॉस्ट्यूम अपने सामने। जो कॉस्ट्यूम आपने पहना हुआ है, अपने आप को इस कॉस्ट्यूम से अलग दूसरे कॉस्ट्यूम में घूमता फिरता देखिए। इससे पहले जितने भी कॉस्ट्यूम हुए, उनमें कोई भी कॉस्ट्यूम धारण कीजिए और घूमते फिरते कार्य करते स्वयं को देखिए। अभी तो हम इस वाले कॉस्ट्यूम से इतने अटैच हैं जैसे मानो हम यही हैं, इतना खुद को समझते हैं, किंतु ये सत्य नहीं। जैसे हम इस देह से वस्त्र उतारते हैं और पहनते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो फेंक दिए जाते हैं, लेकिन हम याद तो कर ही सकते हैं कि 5 वर्ष पहले मेरे पास ये वाली ड्रेस थी। वैसे ही इतने सारे शरीर पुराने हो गए, खराब हो गए, प्रकृति में विलीन हो गए,
लेकिन याद तो कर ही सकते हैं, तो याद कीजिए, सोचिए इस वाले कॉस्ट्यूम से पहले कैसा कॉस्ट्यूम रहा होगा आपका, याद कीजिए। सोचिए द्वापर युग में आपके कॉस्ट्यूम कैसे रहे होंगे, द्वापर युग में आपके महल किस तरह के रहे होंगे, द्वापर युग में हम सुख और दुख, पवित्रता और अपवित्रता, इन सब के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे आज बहुत अधिक है, उस वक्त कुछ कम था, दुख था लेकिन बहुत कम, किसी पे काम क्रोध की दृष्टि जाती थी लेकिन कम, अभी बहुत ज्यादा है। सोचिए आप, सब त्रेता में सोचिए, त्रेता में कैसे दिखते होंगे हम, त्रेता युग में जाइए, हमारा कॉस्ट्यूम कैसा है वहां पर। श्री राम और सीता की दुनिया, वहां तो हम देव आत्माएं हैं लेकिन 14 कला हैं। अपने आप को देखिए श्री राम के राज्य में, हरे भरे मैदान है, सोने के विशाल महल बने हुए हैं, अब हम हर स्थान पर पुष्पक विमान में ही नहीं, थोड़ा चल फिर कर भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, स्वयं को आप त्रेता युग में घूमते फिरते भी देख सकते हैं। अब सोचिए सतयुग के बारे में, ये वो संसार जिसका निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, जहां सौंदर्यता की पराकाष्ठा है, जहां अपार सुख समृद्धि है। अपने आप को देखिए, अपने कॉस्ट्यूम को देखिए, यहां मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। यहां मेरा कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर है, वस्त्रों में हीरे रत्न जड़े हैं, हीरे रत्नों से जड़ित दिव्य स्वर्ण मणित ताज मैंने पहना हुआ है। रूहानी नयन है, नूरानी चेहरा है,
स्वयं को देवी देवताओं के रूप में देख रही हूं मैं आत्मा। अब सोचें, सतयुग में भी आने से पहले मैं आत्मा कहां थी? अपने घर में, अपने घर के बारे में सोचिए। मैं आत्मा अपने घर में आराम कर रही हूं। संपूर्ण मुक्त हूं। मुझे यहां कोई बंधन नहीं। ये लाल सुनहरा आकाश, ये मेरा घर, और इस आकाश में चमकते ज्ञान सूर्य मेरे बाबा। जिनका रूहानी तेज चारों ओर फैला हुआ है। मैं परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ हूं। उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट मुझ में समा रही है। स्वयं को देखें जैसे एक सितारा सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य का तेज सितारे को भरपूर कर रहा है। बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर संपूर्ण एकाग्र करें। देखें मैं आत्मा धीरे धीरे अपने बाबा के समान बनती जा रही हूं।
अपने आप को मस्तक के बीच में देखिए। और सर के ऊपर ज्ञान सूर्य को देखिए। ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र मेरे ऊपर है, मेरे सर के ऊपर से ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मेरे मस्तिष्क में भर रही हैं। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे अवचेतन में अथाह ज्ञान समाया हुआ है। ये दिव्य ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करता है। ये ज्ञान पूरे दिन मुझे सही और गलत की परख देता है। ये ज्ञान मुझे त्रिकालदर्शी बनाता है। मेरे बाबा ज्ञान सूर्य जो सर्वशक्तिमान है, उनकी लाइट निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्मा प्रकाश की देह में बैठी हुई हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं प्रकाश के शरीर में हूं। मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं लाइट की बॉडी में हूं। मैं चमकती हुई मणि हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। मैं ज्ञानवान महान फरिश्ता हूं। सर के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ती हुई। मैं आत्मा लाइट की बॉडी में हूं।
मेरे सर के ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। साफ सुथरी छवि बनाकर देखें। जैसे आप टीवी पर स्पष्ट देख रहे हो, मैं आत्मा लाइट की बॉडी में सर के ऊपर किरणों की फवारें अपने आप को धरा पर देखें। सर के ऊपर सर्वशक्तिमान बाबा की लाइट और देखें विपरीत परिस्थितियों में भी आप स्टेबल माइंड हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो आसपास जो हमें हिला देती है, अक्सर हमें डिस्टर्ब कर देती है, उसी परिस्थिति में स्वयं को देखें बिल्कुल शांत। वो ऐसे ही है रहेंगे, उनका यही पार्ट है, लेकिन मैं स्टेबल माइंड हूँ, शांत हूँ। मुझे किसी को नहीं बदलना, जो जैसा है ठीक है, मैं उसे वैसा ही स्वीकार कर लूँ। इसमें मेरा भी लाभ है, प्रकृति का लाभ है और उस आत्मा को भी। मुझसे शुद्ध वाइब्रेशन जाएंगे, इससे उसे भी लाभ मिलेगा।